गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपको मेरे चैनल एसएसटी रिव्यूज़ में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे आईफोन 6s के मार्केट के बारे में और इसके प्राइस रेंज के बारे में। आप किस प्राइस रेंज में इसे ख़रीद सकते हैं और किस प्राइस रेंज में इसे बेच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वेरी करता है ना, डिपेंड करता है कि कितने GB स्पेस है इसका, या बॉडी कंडीशन इसकी कैसी है, या और कुछ काम हुआ है इसमें, कोई फॉल्ट हो। तो अगर मैं शुरू करूँगा 16 GB 6s से, 16 GB 6s हो, मतलब बॉडी कंडीशन 10x10 या 9x10 हो और कोई पार्ट ना हो, रिंगर बटन काम कर रहा हो, वॉल्यूम बटन काम कर रहे हो, फिंगरप्रिंट काम कर रहा हो, स्क्रीन ओरिजिनल हो, बाकी सब अच्छा हो, बैटरी 80-85% हो या 70-75 हो, लेकिन ओरिजिनल बैटरी हो ना, तो यही आप बाई कर सकते हैं 14-15 में। और बात करेंगे 32 GB की, जो ऐसी ही कंडीशन में जैसे मैंने पहले ही बता दी, तो वो अगर आप बाय कर ले 17-18 तो बहुत अच्छा है। 19 में भी मिल जाए और 10x10 हो, बिल्कुल ओरिजिनल हालत में हो, तो बैटरी खैर है 70-75 हो, क्योंकि वो ओरिजिनल बैटरी होती है और बहुत पुरानी होती तो फिर ऐसे ही होता है। और बाकी बैटरी चेंज हो तो भी कोई मतलब इशू नहीं होता ना, बैटरीज़ भी आजकल अच्छी आई हुई है जो चाइना वाली है, और बैटरी का इसलिए इशू नहीं बना सकते क्योंकि मोबाइल पुराने हैं। तो बैटरी चेंज भी हुई हो और कोई मसला ना हो, मतलब बिल्कुल 10x10 कंडीशन में हो, तो 32 GB 18-17-17.5-19 रेंज में मिल जाए तो बहुत अच्छा है। और 64 GB की बात करेंगे, मेरे साथ जो है ये 64 GB है, इसकी तो खैर बॉडी बहुत बिल्कुल रफ है ना, तो रफ बॉडी वाली मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा ना ले, क्योंकि फिर इसकी रीसेल वैल्यू जो होती है वो कम होती है और लोग पसंद भी साफ मोबाइल को करते हैं। तो जो 64 GB है, अगर इसको मैं ये आपको 10x10 में कंडीशन में मिल रहा हो और कोई काम ना हुआ हो इसके बोर्ड में, आपको गारंटी दे सकता है वो दुकानदार या जो भी बाई से आप ख़रीदना चाहते हो ना, तो 19-20-21 में मिल जाए तो बहुत अच्छा है। और मार्केट में भी आजकल यही रेट चल रहा है, इससे कम मिल रहा हो और यही कंडीशन हो 10x10 तो बहुत अच्छा है, आप ख़रीद लें। और मेरी सेल की वैल्यू की बात करूँगा तो 64 GB जो है रीसेल में, अब अगर आप मार्केट में सेल करना चाहते हो तो 18 में बिक जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मार्केट में रीसेल में मार्केट वाले मतलब मसला करते हैं ना, फिर आपके मोबाइल में फॉल्ट निकालेंगे, कोई फॉल्ट नहीं होगा लेकिन आपको कहेंगे कि ये 6s है, इसकी रीसेल वैल्यू नहीं है। बिल्कुल है इसकी रीसेल वैल्यू, आजकल इसका मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, 17-18 में आपसे ये बिक जाए तो बहुत अच्छा है। 32 GB अगर आपसे 14-15 में बिक जाए, 16 में बिक जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन 15 तक बिक जाए तो वो अच्छा है। और 16 GB जो है 6s, अगर वो आपसे 14 में बिक जाए या 13 में बिक जाए तो अच्छा है, इससे नीचे अगर बिकना है तो फिर ना भेजे, क्योंकि मतलब वो 16 GB में, तो जो आईफोन 6 के 16 GB हैं, 11-12 में तो वो मिलता है ना, तो इसलिए 12 में मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपसे कोई 13.5-14-15 में लेना चाहता है 16 GB तो बेच ले, बिल्कुल अच्छा रेट है। और इसके अलावा अगर कोई मसला हो मोबाइल में, मतलब साइलेंट बटन काम ना कर रहा हो, तो 1500-1500 रुपये आगे पीछे हो सकते हैं इसके। बाकी अगर बॉडी कंडीशन रफ हो और 64 GB हो तो आप इसे 18-19 में लें, और अगर 32 GB हो इस तरह बॉडी रफ कंडीशन में तो 15 में ले लें, 16 में ले लें, इससे ज़्यादा मत लें। और 16 GB बॉडी रफ कंडीशन में हो तो आप 14-13 में ले लें, ज़्यादा मत लें, क्योंकि फिर रीसेल वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाती है ना। बॉडी रफ हो और 16 GB हो तो ये रीसेल में आपको फिर बेचना पड़ेगा 10-11, मार्केट में इस तरह ही होता है। फिर आप अगर आप पर्सन टू पर्सन भेजना चाहते हैं वो डिपेंड करते हैं फिर। तो बस यही कहना था आपको सब लोग को,
कोई भी आप इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं या कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। मेरी वीडियोस भी अच्छी हो पाएगी इससे और आगे मेरे जो रिव्यूज़ हैं वो अच्छे हो पाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।